नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। पुष्पा किन्नर के बारे में जो भी जानकारी मिलती है वह बेहद दिलचस्प है। मसलन पुष्पा किन्नर पहले प्रदीप था, लेकिन बाद में वह पुष्पा किन्नर बन गया और फिर उसने अपने किन्नर समुदाय की बेहतरी के लिए कई काम शुरू कर दिए और उन्होंने यह भी कहा कि किन्नरों को उनके अधिकार मिलना चाहिए, किन्नरों का कोई एक पहचान पत्र भी होना चाहिए और समाज से उनका जुड़ाव भी हो। उन्होंने यह भी कहा कि वे किन्नरों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी हां, मार्च 2015 में प्रख्यात किन्नर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी उनके गुरु बन गए। लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर भी हैं और इस तरह से पुष्पा से प्रदीप से पुष्पा और फिर पुष्पा से पुष्पा माई बने। पुष्पा माई का यह कहना है कि किन्नर अखाड़ा ट्रांसजेंडर समुदाय की धार्मिक और सामाजिक स्वीकारता के लिए एक बड़ा काम करेगा। वे जयपुर के अंदर अपनी कुलदेवी बहुचरा माता का एक मंदिर भी बनवाने जा रहे हैं और यहीं पर बुजुर्ग किन्नरों के लिए एक आश्रम भी बनाया जाएगा। पुष्पा माई के प्रयास से कई काम पहले हो चुके हैं और उन्होंने कई ऐसे रोचक कार्यक्रम किए हैं जिसमें बाईसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर लोगों की एकता दिखाने के लिए एक वॉक निकाली गई। किन्नरों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए पुष्पा माई द्वारा कई प्रयास किए गए और उनका नाम एक ऐसे किन्नर के रूप में दर्ज हो गया जो किन्नर समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं। उनका यह भी कहना है कि हमेशा किन्नर समुदाय को जिस तरह से भारतीय समाज द्वारा उपेक्षित रखा गया है वह लंबे समय तक चल नहीं सकता। भारतीय समाज को किन्नरों को उनकी वास्तविकता के साथ स्वीकार करना होगा।